दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज आपको दिखाऊंगा, अगर आप अपने घर में जो किचन का जो डोर लगवाते हैं, जैसे आप किचन का देख रहे होंगे या फिर आप मेन डोर के अंदर जो डबल डोर लगाते हैं, जैसे कि डबल डोर लगाने के लिए आपको इनर साइड में एंड आउटर साइड में जो डोर यूज करते हैं, जैसे कि मॉस्किटो डोर होता है, तो वो कॉस्ट क्या पड़ता है और किस तरह बनाना चाहिए और कौन सा मेटल इसमें यूज किया गया है सबसे बेस्ट है, तो आपको मैं दिखाऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा। और एक दुकान पे हम उसका क्या रेट है वो भी सब आपको इस वीडियो के अंदर से आपको जानने को मिलेगा। तो ये गेट कौन सी लकड़ी का है? ये सागवान की लकड़ी है। तो जो एक शॉप पे आया हूँ मैं, तो शॉप का नाम है सुपर वुड वर्क्स। इसके बाद जो कॉन्टैक्ट है इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। और ये सागवान की लकड़ी है। और जो जाली है कौन कौन सी यूज की गई है इसमें? जाली इसमें एल्युमिनियम है और SS है। एल्युमिनियम और SS, जो बैक साइड की वो SS की है, बैक साइड में देख रहे हो बड़ी जो मॉस्किटो जाली है ये, और फ्रंट में ये SS जाली है ताकि इसको जो जाली हो इसको ख़राब होने से रोकेगा, और प्लस की जो स्ट्रेंथ है वो भी इसको इसके जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूवमेंट करता है, और प्लस इसको लुकिंग में लिए इसको इम्प्रूवमेंट करता है, इसलिए ज़रूरी होता है। काफ़ी क्या करते हैं, ओनली मॉस्किटो जाली लगा लेते हैं वो तो बेस्ट है, बट लेकिन इसके जो लुकिंग होती है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए SS जो एल्यूमिनियम होती है जाली, इसको लगाना ज़रूरी रहता है। तो इसका खर्चा क्या आता है पर स्क्वायर फीट में? आपको 550 रुपये पर स्क्वायर फीट। और लेबर चार्ज इंक्लूड है इसमें या नहीं? लेबर चार्ज इंक्लूड है इसके अंदर ही। लेबर मतलब ये आप डोर बना के फिटिंग करके 550 में करके देते हैं। इसका साइज क्या होगा इस डोर का? 8x3 फीट का इसका डोर का साइज है। तो ये बेडरूम के लिए यूज है या किचन के लिए? बेडरूम के लिए। जैसे क्या होता है कि बेडरूम के लिए ज़्यादा हाइट के यूज करते हैं और किचन के लिए अप्रोक्सीमेट 7 से 7.5 फीट का यूज होता है, जैसे कि ये भी यूज होता है। तो है जो ज़्यादा हाइट का यूज होता है इंडस्ट्रियल एरिया या फिर रेजिडेंशियल जैसा ग्राउंड फ्लोर का होता है उसमें यूज होता है, बट लेकिन जैसा फर्स्ट फ्लोर पर आप जाएंगे तो वहाँ पर तो कम हाइट का यूज हो जाता है। और ये है 7 फीट, ये 7 फीट का होगा। इसको डोर को क्या बोलेंगे, पैनल डोर? इसमें कौन सी लकड़ी यूज हुई है अभी? ये भी सागवान का है, ये भी सागवान का। ये क्या रेट पड़ेगा? ये पड़ेगा 650 रुपया पर स्क्वायर फीट में होगा। और पॉलिश वालिश इसके अंदर पॉलिश होगी या ऐसी कैसे रहेगा? ये ऐसे रहेगा, ये दरवाज़ा बस आपको बना के दे देंगे, आपको जो पॉलिश करवानी होती है वो आप पेंटर से या किसी से वो करवा लेंगे साइड पे, ये आप पुट्टी भर के देंगे साइड पे, जो जिसकी रिपेयरिंग है वो रिपेयरिंग करके दे देंगे पुट्टी भर के। उसके बाद जो काम होता है पेंटर काम होता है, आपको इसमें पॉलिशिंग करवानी है, वार्निशिंग करवानी है, जो काम होता है उसका काम होता है। अगर पॉलिश करवानी है तो इसके 100 फीट इस पॉलिशिंग के लिए 100 फीट अलग से लग जाएंगे इसके अंदर। तो मैं डिज़ाइन आपको दिखा देता हूं, इनर साइड के लिए पैनल डोर और ये डोर, और जैसे अभी ये बना रहे हैं कि ये विंडो के लिए रहेगा, विंडो पैनल डोर के लिए रहेगा, उसमें बिडिंग सब यूज होती है। इसका क्या कॉस्ट आता है विंडो के लिए? इसका जी विंडो के लिए 450 रुपये। ये 450 फीट में आता है, आपको फिटिंग लेबर चार्ज सब इंक्लूड है इसके अंदर। हार्डवेयर आपका? हार्डवेयर सब हार्डवेयर ओनर का रहेगा, बस ये आप फिटिंग करके जिसमें लेबर चार्ज और यहाँ से बना के देंगे, और जो भी इसका बीडिंग होती है जो हार्डवेयर सामान होता है वो ओनर का रहने वाला है, जैसे कि आप सामने देखते भी दिखा दूंगा इसके अंदर में, ये सब क्वालिटी रहने वाली है। और आउटर साइड में ये रहने वाला है और इनर साइड में ये रहने वाला है। ये क्या होता है, थोड़ा बाहर से अच्छी लुकिंग देता है इस चीज़ में, इसलिए एल्यूमिनियम का लगाते हैं इस तरह का। ये दरवाज़ा रहना है चटाई टाइप में। ठीक है, और ये दरवाज़ा कौन से टाइम में रहेगा ये वाला? है ये अच्छा, बैक साइड में मतलब दोनों साइड में यही रहने वाला है ना? ये बैक साइड में ये रहेगा। तो जब हम इसको फिटिंग करेंगे तो ये आउटर साइड में बैक साइड में रहेगा, फ्रंट में वो रहेगा। थिकनेस क्या है इसकी? 1 इंची? डेढ़ इंची। थिकनेस ये 1.5 इंची रहेगी। तो इस दरवाजे को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं? करंट डोर पे हो ज़्यादातर जी, मेन डोर पे। करंट डोर
मेन एंट्रेंस पे कहीं भी लगा, मेन एंट्रेंस पे यूज करेंगे। अंदर के लिए, अंदर के लिए उसकी चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, हाइट 7 फुट बाई 3 7 बाई 3.5 रहेगा। तो और भी डिजाइन दिखा दीजिए, जैसे विंडो के लिए ये भी डिजाइन है, जैसे इसमें पहले से काफी बीडिंग लगा, एक साइड बीडिंग लगती है और एक साइड में ये डिजाइन बना देते हैं। इसमें इसकी जो थिकनेस है वो 1.5 इंची है और जो पैनल्स हैं इस तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं। एक दूसरे डोर हैं ये रहने वाला है 1.5 इंची में, और पैनल्स जो इसका डिजाइन है वो दूर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह का ये डिजाइन रहने वाला है। सिक्योरिटी डोर है ये, सिक्योरिटी डोर रहने वाला है इसका 7 बाई 3.5 फीट 7.5 फीट लंबाई दूर से दिखा दूंगा ना ऐसे, इस तरह से ये रहने वाला है। दोनों तरफ से सेम है। दोनों तरफ से सेम रहने वाला है ये। इसकी थिकनेस है 2 इंची। थिकनेस 2 इंची डोर है ये। 2 इंची कौन सा डोर है? नॉइस फ्री। कोई नॉइस, कोई बात कुछ नहीं हो रहा। हाँ कोई स्लेस। अब इसमें क्या काम बाकी है? अभी चढ़ना है बस, चढ़ना बाकी है। अब थोड़ा पुट्टी वुट्टी है, फिनिशिंग होनी है, पॉलिश होनी है। पॉलिश भी करके देते हैं। इसका कॉस्ट? ये कॉस्ट इसकी करीब करीब ये है 35,000। 35,000 मुक्कम है, मतलब कोई फिट वीट के हिसाब से नहीं है? नहीं नहीं, साइज़ के हिसाब से है ये, अलग अलग है साइज के हिसाब से। जैसे 1100 रुपये फुट भी हो गया। अच्छा, प्योर शीशम है, 2 इंची का आउटर है इसका। हाँ है ये वाला पोर्शन। हाँ ये भी 2.25 इंची है। ये 2.25 कम्प्लीट। इसका वजन करीब करीब 80 किलो है। 80 किलो एक दरवाजे का, एक दरवाजे का इसका 80 किलो रहने वाला है इसका। और ये करीब करीब हैटिच के ही कब्जे पे रुकेगा। हैटिच के कब्जे आएंगे 6 इंच के, 6 इंच के उसी पर। इसका भाई डिजाइन भी देख लो इधर से, ये मशीन से डिजाइन बनाए गए हैं। ये डिजाइन कैसे बनाते हैं? मशीन से ऐसे, रूटर से। रूटर से ये खुद ही बनाते हैं क्या? खुद ही दुकान में ये डिजाइन खुद ही बनते हैं? तो सब हैंडमेड है सारा का सारा। ये सारा जैसे मशीन से बनाना हो गया, रूटर हो गई, मोल्डिंग होगी। हाँ ये मोल्डिंग है, ये पूरा पैनल हो गया इसके अंदर का, ये भी सब मशीन से ही बना। ये चीज वीडियो दिखाएंगे, चलो नेक्स्ट वीडियो के अंदर किस तरह से दरवाजा बंद बनाया जाता है, कैसे कैसे थिकनेस। पूरी 3 इंगली आ रही है भाई साहब, देख लो भाई बहुत जो हैवी गेट है। मेन डोर के लिए यूज होगा जब इसके अभी तो ये ऐसा है, प्योर सिस्टम है। पेंटिंग पॉलिशिंग के बाद तो बहुत पॉलिश होगी, जो बहुत दिख रहा है वो कस्टमर पे डिपेंड है। कस्टमर डिपेंड है। तो इस पर क्वालिटी दिखाने के लिए, तो मतलब क्वालिटी लाने के लिए तो कौन सा बेस्ट रहेगा, पेंट या पॉलिशिंग? आजकल चल रहे हैं इटालियन डीको, इटालियन डीको पेंट। डीको पेंट अलग अलग कलर के हैं वो। हाँ करा लो, ग्रीन करा लो, वाइट करा लो। हाँ आजकल इस तरह के डिज़ाइन चल रहे हैं, कोई भी करा सकते हैं। इटाली का डिज़ाइन है पूरा कम्प्लीट, नया डिज़ाइन है। अच्छा, ये बीच में शीशे आएंगे, बीच में शीशे आएंगे। हाँ ऊपर नीचे जाली रहेगी, बीच में फ्रॉस्टेड ग्लास रहेगा इसमें। अच्छा अच्छा, इसमें मैचिंग भी करा सकते हैं, डिज़ाइन वाले ग्लास भी लगा, मैचिंग वाले डिज़ाइन वाले क्यूब वाले हैं। और जैसे फिनिशिंग करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मशीन है जिस पर कटिंग होती है, और ये ग्राइंडर है जिससे पॉलिशिंग होती है। दरवाजे रहने वाले हैं इस तरह के, ये दरवाजे रहने वाले हैं जाली टाइप में। और दुकान का नाम देख लो, ये दुकान का नाम रहने वाला है सुपर वुडवर्क। और इधर से पड़ेगा नोएडा, इधर से ये गुड़गांव सेक्टर 5 में पड़ता है।